सुस्वागतम, नमस्कार। यू हैव ट्यून इन टू फर्स्ट बॉर्न हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं कि सी सेक्शन के बाद अगर आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, या फिर सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, या बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे जिससे आपको खुद खुद की आप मदद कर पाएंगे? तो बस यही आज बात करने वाले हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट मुझे लगता है वो है, आपको प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, सिर्फ आपके घर में आप और आपके हस्बैंड हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, ऐसे टाइम पे आप क्या करिए? अपनी प्रायोरिटीज़ खुद सेट करिए। सी सेक्शन के बाद शुरू में ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को आराम मिले, क्योंकि रिकवर होना भी ज़रूरी है। शुरुआत का 1.5 महीना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल रिकवरी में 3-4 महीने से लेकर 6 महीने तक हो जाता है। तो क्या आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तब तक? ज़रूर रखेंगे। आपको प्रायोरिटीज़ रखनी है। ऐसे शुरुआत के जो टाइम में आपको ऐसे लगे कि भाई घर में ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, जैसे आपका हस्बैंड जॉब पे गया, आपको खाना बनाना है, आपको बर्तन करने हैं, आपको कपड़े भी धोने हैं, ठीक है, सब करना है। बट अगर आपका बच्चा इस टाइम पे सो गया है, तो आप सोचोगे कि नहीं, मैं सारा काम निपटा लेती हूँ फिर सोऊंगी। नहीं, आपकी प्रायोरिटी अभी क्या है? आपकी खुद की हेल्थ, आपकी रिकवरी। तो अगर आपका बच्चा सो गया है तो आप सो जाओ उसके साथ, काम सब साइड में रख दो, वो दूसरी प्रायोरिटी है आपकी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी बॉडी, उसको रिकवर करना। तो उस टाइम पे आप सो जाओ, अगर नींद नहीं आ रही है तो भी लेट जाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई दिन में बच्चा सोएगा कैसे सोएंगे, सही बात है, नींद नहीं आ रही है तो कोई नहीं, एटलीस्ट लेट जाइए। वो जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि मैं तो दोपहर को थोड़ा मैं लेट ही जाती हूँ, नींद नहीं आती, पर मेरे कमर को आराम मिलता है, बस वही करो, आपको वो ज़रूरत है अभी। क्योंकि अगर अभी आपने वो नहीं किया तो बाद में आपको बैक प्रॉब्लम्स होंगे, फिर मत कहेगा कि बैक प्रॉब्लम्स हो। उस टाइम पे आपकी ये प्रायोरिटी है कि आपको खुद का ध्यान रखना है। अगर समझिए कि आपका बच्चा जाग भी गया है और कुछ आपको काम नहीं, आप बैठ के उसके साथ मत खेलो। छोटू सा बच्चा है अगर आपका अभी, तो आप भी लेट जाइए, लेटे लेटे खेलिए उसके साथ, ठीक है, आपको आराम भी मिलेगा, आपके बच्चे को भी ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं मम्मी खेल रहे हैं मेरे साथ, छोटू सा बच्चा, उसके साथ बात करिए, पर लेटे रहिए ना उस टाइम पे। से प्रायोरिटी सेट करिए, ठीक है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट भी आता है उस टाइम पे, तो भी आपको प्रायोरिटी देखनी है कि भाई इनकी आपदा स्वागता करनी ज़रूरी है अभी। क्या मैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में हूँ कि मैं इनके लिए चाय पानी नाश्ता और ये वो सब कर सकूँ? अगर नहीं है तो रहने दीजिए, मत करिए। वो इंसान इतना तो समझेगा कि भाई इस लड़की को अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, बच्चा हुआ है, ये इतना काम नहीं कर सकती। आप थोड़ी देर भले आप चलो बैठ के बात की, आपके हस्बैंड अगर उसको पानी वानी देते हैं तो आप शर्म मत रखिए उसमें, ठीक है, आपको अभी उसकी ज़रूरत है। अब उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी है कि आप थोड़ा बात करके फिर लेट जाओ, मस्त रजाई लेके। अगर आपको ऑकवर्ड भी लग रहा है तो थोड़ा आधा यहाँ तक रजाई लेके आप बस लेट जाओ और बात करो लेटे लेटे, क्या प्रॉब्लम है, आपको ज़रूरत है इस टाइम पर। तो आपको इस तरीके से अपनी प्रायोरिटी सेट करनी ही होगी, तभी आप अपने आप को और अपने बच्चे को मदद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो इससे आपके जो काफ़ी आपका टाइम बचेगा, और उस बचे हुए टाइम में आप रिलैक्स कर पाएंगे, आराम कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप खाना बनाने उठे ही हैं, ठीक है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, खाना बनाने के लिए आप उठे हैं, आपने आटा आपने गूंद लिया है, आपने सब्जी बना दी है, या फिर सब्जी सब्जी बन रही है, तो बस उस टाइम पे आप कपड़े धोने के लिए डाल दीजिए, फिर कपड़े सुखाने की झंझट में मत पड़िए अभी, वो बाद में भी होंगे। जितने आपको ज़रूरी लगते हैं कि बच्चे के थोड़े सुखाने ज़रूरी है वो कर लीजिए, बाकी के रहने दीजिए, या फिर बाकी के कपड़े जो आपको ऐसा लगे कि भी नहीं करने वो रहने दीजिए। और साथ में ये चीज़ हो जाएगी, आपके कपड़े भी धुल जाएंगे, धोते रहेंगे मशीन में, और फिर आप जो आपका खाना है वो भी साइड में बनता रहेगा। अगर आपको ऐसा है कि भाई मशीन नहीं आपके पास, आप हाथ से कपड़े धोते हैं, तो उसमें भी उतने ही लीजिए आप धोने के लिए, जितना आपको लगता है कि ज़रूरत है, बाकी छोड़ दीजिए। बच्चा है तो उसके लिए तो ज़्यादा कपड़े लगते ही हैं, तो ठीक है, थोड़ा पैर में ज़्यादा रखिए। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर आप ज़्यादा ज़्यादा भागेंगे ना, आपको अगर आपका बच्चा सोया है 2 घंटे के लिए और आपको वो 2 घंटे मिल रहे हैं, आप पूरा उसमें आप काम में ही निकाल रहे हैं, तो ये बात तो फिर आपको आराम नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके साथ ऐसा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, खास करके जो लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं। मुझे एक कैनेडा से एक वुमेन का आया था मैसेज, तो होता है आपको बाहर कोई हेल्प करने वाला बिल्कुल भी नहीं होता, शायद इंडिया में तो आपको हेल्प मिल भी जाए,
पर अगर बाहर रहते हैं और अगर कोई साथ में नहीं है फैमिली का, तो आपको सपोर्ट खुद का खुद करना पड़ेगा, खुद का ही खुद सपोर्ट बनना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको टाइम मैनेज करना है और हो सके उतना आपको रेस्ट करना है, ठीक है? तो ये दूसरा हो गया, पहला सेट प्रायोरिटीज, दूसरा हो गया आपको टाइम मैनेजमेंट, तीसरा हो गया कि सीक फॉर हेल्प, मदद आपको लेनी है, आपका हस्बैंड है, आपकी सासू माँ है, लेकिन अगर वो आपको मदद दे नहीं रहे हैं तो आप मदद मांगिए, उस टाइम पे आपको ज़रूरत है मदद मांगने की, तो क्यों नहीं मांग रहे? अगर आप इस थोड़े टाइम में मदद मांग लेंगे तो बाद में तो आप उनकी सेवा करने ही वाले हैं, अपने घर की, परिवार की, बच्चे की, सब पूरा घर आप संभालने वाले हैं, बस आपको शुरुआत का जो कुछ समय है उस टाइम पे आपको ज़रूरत है कि आप क्या करें, थोड़ी मदद मांगिए, उसमें शर्म मत रखिए, आपको बहुत ही बोझ जैसा लग रहा है ना, तो बाद में आप किसी और को हेल्प कर देना जब ज़रूरत होगी, ठीक है? और आपने अब तक घर के लिए बहुत किया ही है, तो अगर आप मदद मांग रहे हैं तो बोझ लगने जैसा भी कुछ नहीं है, आप अपनी फैमिली से ही बोल रहे हैं ना, थोड़ी ना किसी बाहर वाले बंदे को जाके बोल रहे हैं कि भाई मुझे मदद कर दो, ठीक है? तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको मदद मांगनी है, और अगर कोई सामने से मदद ऑफर कर रहा है तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो, कोई मदद कर रहा है कर आप एक्सेप्ट कर लो उसको, ऐसा मत सोचो कि नहीं 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 अरे वे क्यों नहीं, ले लो, अभी आपको ज़रूरत है, बाद में आप ठीक हो जाओगे, तभी तो आप किसी की मदद लेने जाओगे ही नहीं, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत है तो ले लो, उसमें शर्माओ मत, ठीक है? उस टाइम पे थोड़ा अपना जो है वो, जो भी आपका ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बहुत ही ज़रूरी है, मैं खुद भी ऐसी हूँ, लेकिन ऐसे टाइम पे जैसे मैंने बोला था सेट प्रायोरिटीज, तो सेट प्रायोरिटी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिंक होता है कि प्रायोरिटी अभी आपकी आराम है, तो उस थोड़े टाइम के लिए आप फैमिली वालों से अगर हेल्प मिल रही है तो ले लीजिए, दूसरी चीज़ों को बाजू में रख दीजिए, ठीक है? उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है आपका जो मोरल सपोर्ट, ठीक है? मोरल सपोर्ट इन द सेंस कि अगर जैसे आप अकेले रहते हैं, आप के साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं, आपके हस्बैंड भी बाहर रहते हैं जॉब में, अब क्या करेंगे? तो आप ऐसे आपकी कोई फ्रेंड है जिसकी डिलीवरी हुई है, ठीक है, या फिर कोई आपकी भाभी है, ननद है, कोई तो होगा ना आपके सर्कल में जिसका रिसेंटली ऐसा हुआ है, तो वो आपको हेल्प कर पाएगा, बात करने से ही आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, कुछ जानने को मिलेगा, कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, अगेन ये मदद वाला ही पॉइंट आ गया, तो मदद मांगना और मोरल सपोर्ट दोनों चीज़ें कनेक्ट हो गई, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। और अगर सोचो कोई नहीं है तो सोशल मीडिया अवेलेबल है, आप ऐसे कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप कोई फेसबुक पे कोई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, देखिए करना हो तो कुछ भी कर सकते हैं, आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो बोलती हैं कि अरे भाई मुझे तो कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, मैं खुद ही करूँ, तो आप वो देखो कि आपको लगेगा कि नहीं चलो मेरे जैसा कोई और है, मैं अकेली नहीं, इवन मैं खुद पढ़ती हूँ मेरे ये चैनल पे जो बहुत सारी जो महिलाएं उनके आते हैं कमेंट्स कि भी मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तो फिर भी बाद में यू नो कमेंट चालू हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे जैसे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक दूसरे की मदद मिलती है, मोरल सपोर्ट मिलता है, तो फैमिली से मोरल सपोर्ट अगर आपको इतना एक्सपेक्ट आप नहीं कर पा रहे हो तो आप बाहर से लीजिए, बट ट्राई करिए, आपको ये करना है, देखिए जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे ना आपकी मदद कोई नहीं करेगा, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, पर अभी आप अच्छे से रिकवर हो जाए उसके बाद आप राजा हो, आप घर में आप सब खुद करोगे, सबका ध्यान रखने वाले हो, ये आपको खुद को भी पता है, पर अभी आपको ज़रूरत है, आपका ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए शुरुआत के 1.5 महीने, और उसके बाद कई बार 3, 4, 6 महीने भी लग जाते हैं रिकवरी में, तो जितना हो सके ये चीज़ें तब तक ध्यान रखिए, ठीक है? और एंड में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप एक्टिव रहिए, एक्टिव इन द सेंस की मूविंग योर बॉडी, लेटे रहना इसका मतलब ये नहीं कि बस आप लेटे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि भी थोड़ा बहुत चलना, आज थोड़ा चले, आज एक रूम से दूसरे रूम तक चले, फिर वो एक रूम से दूसरे रूम से उसके भी बाद वाले रूम तक चले, यू नो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा मूविंग अपने बॉडी को देते रहिए, क्योंकि मूवमेंट जितना आप दोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आपको रिकवरी में ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, तो आपको कोई भारी काम नहीं करना है, भारी सामान नहीं उठाना है, पर थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको करना है, और वो भी आपको खुद को ही समझना है कि अभी आपको लगा कि मैंने थोड़ा चल के आई मुझे थकान लग रही है, तो बस आप आराम कर लो, फिर आप अपने बॉडी को प्रेशर मत दो इतना, क्योंकि अभी वो रिकवर नहीं हुआ है, आप उसको रिकवर करने में हेल्प कर दे, तो आपको बस जितना लगे थकान लगी है भी अब नहीं कर सकती मैं, चल नहीं सकती, बस बैठ जाओ और कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज भी मत करो,
चलना जो है ना वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। थोड़ा बहुत आप मूव करते रहोगे, आपको बैक पेन में भी कई बार फायदा हो जाता है। बैक पेन तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन खास करके जॉइंट पेन में आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा, जो आपके कई बार नीज अकड़ा जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपको फायदा होगा। और आपकी बॉडी अच्छी, जो आपका जो नॉर्मल जो आपकी गड्डी थी ना पहले, वो गड्डी फिर से वही लाइन में, वो गियर में पड़ेगी और आप फिर से उसी डायरेक्शन में और उसी स्पीड से चलने लगोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान रखिए। प्रायोरिटी सेट करिए, टाइम मैनेज करिए, मदद मांगिए, मोरल सपोर्ट करिए लीजिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत आप मूवमेंट में रखिए, बट जितना हो सके आराम मिलता है बस ले लीजिए। ठीक है, ये आपका टाइम है, आपको पैम्परिंग मिलना ही चाहिए, नहीं मिल रहा है तो खुद पैम्पर अपने आप को करो। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कर दीजिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू फर्स्ट बॉर्न हिंदी। क्लिक करिएगा बेल आइकन पे, ठीक है, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे अगले वीडियोस के लिए। अगर आपको इस तरीके के दूसरे भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और अपने व्यूज़ ज़रूर से लिखिए। कोई भी चीज़ जो आपको लगती है कि दूसरी लेडी को हेल्प कर पाएगी, वो ज़रूर से कमेंट में लिखिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।